हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। पर यहां मुंबई में कुछ हालत ऐसी हो गई है कि हम लोग अपना टाइम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आज है 2 जुलाई 2019 और पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है यहां पे। अभी जाके थोड़ा मौसम खुला है, बट अभी भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकलूं और आप लोगों को दिखाऊं कि क्या हाल है, कैसे सड़कों पे पानी भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं फिर। ये जैसा आप अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी बूंदाबांदी हल्की हल्की चालू है और यहाँ पर बच्चे लोग तो अपना इन्जॉय कर रहे हैं। बच्चे लोगों को तो कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, उन लोगों को तो मस्ती चाहिए रहती है। और यहाँ पे जैसे देखिए ये डॉग्स परेशान हैं, इन लोगों को कुछ खाने पीने को नहीं मिल पाता है। अभी इन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी देख रहे हैं आप कितना पानी भरा पड़ा है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये ओपन है और यहाँ पर ये पूरा पानी ऊपर तक भर गया है। ये सड़क पूरी भरी हुई है, इस साइड भी पूरा रोड, आगे तक आप देखेंगे पूरा रोड भरा हुआ है। अभी हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं आगे जाने के लिए, जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी देखिए वैसे मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है, देखा जाए तो मौसम साफ़ हो गया है, बट अभी भी बादल है और अभी भी हाई टाइड बोला गया है कि हाई टाइड आज आएगा, मतलब कुछ 11 बजे के करीब बोल रहे हैं कि हाई टाइड आने के लिए। पानी इस हद तक भर गया है कि मतलब शॉप्स भी नहीं खुली हैं। और ये देखिए ये रोड, ये साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रोड ये पे यहाँ पे, ये इधर तो पूरा पानी आ गया पर यहाँ पे भी पूरा पानी है। ये इधर प्लॉटिंग वगैरह है, जो इधर जो कचरा वगैरह जमा होता है, इसीलिए बोला जाता है कि कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अभी क्या हो गया है 5 दिन से तो बारिश कंटिन्यू हो रही है और 5 दिन से बारिश कंटिन्यू होने की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। और देखा जाए तो अभी रात से पावर भी नहीं है इलेक्ट्रिक, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से पावर आ जा रही है, मतलब कुछ टाइम के लिए आती है फिर चली जाती है। और अभी ये हाल है कि जो पंप स्टेशन है, मतलब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो पंप स्टेशन है, वहाँ के पाँच पंप है, वहाँ पर बोला जा रहा है कि 5ों पंप ख़राब है। क्यों? क्योंकि कचरा, प्लास्टिक और ये सब पंप हाउस में भर गया है। जो पंप सक्शन करता है वो, तो वहाँ पे वो पानी भर गया है तो वो सक्शन नहीं कर पा रहा है और पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो अभी 1-2 दिन से तो पानी भी सप्लाई नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है। मैं छाता भी नहीं लेके आया हूँ कि मैं बारिश से थोड़ा बच सकूँ। एनीवेज देखते हैं, अभी आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इतना पानी भरा हुआ है कि मैं आज ऑफिस भी नहीं जा पाया। कितना अच्छा लग रहा है, ये देख रहे हैं आप पत्तों पे पानी की बूंदें पड़ी हुई, बहुत अच्छी लग रही हैं। जो लिविंग थिंग्स है ना, उनके लिए तो पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य, इन सब के लिए तो पानी बहुत ही मतलब अमृत के समान है। और पहले क्या होता है ना, जब पानी हम लोगों के पास होता है तो हम लोग पानी को बहुत वेस्ट करते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पानी को बहुत वेस्ट किया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब हमारे पास पानी होता नहीं है। ये आप देख रहे हैं पानी का फ्लो पूरा उधर मेन रोड की तरफ जा रहा है और यहाँ पे चारों तरफ जहाँ भी देखो आप पानी ही पानी है। लोग चले आ रहे हैं पैदल धीरे धीरे, क्योंकि गाड़ियाँ बंद है, बाइक्स भी लोग, बाइक वाले लोग ही आ जा पा रहे हैं। ये देखिए ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की हालत देखिए, पूरा पेट्रोल पंप में पानी भरा हुआ है। लोग कैसे मतलब ट्रैवल करना तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पूरा मेरा आधी टांग मेरी पूरी डूबी हुई है। और ये कार देखिए, कार आपको मैं दिखा दूँ, ये कार के अंदर तक तो पानी चला ही गया है।
ये देखिए ये ऑटो बीच में फंसा हुआ है। आखिर इसीलिए बोला जाता है कि नेचर के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा दूं तो देखिए ये मेरा पैर या ये घुटने बस मेरे थोड़ी देर में घुटने मेरे डूबने वाले। तो अभी बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है, बारिश और तेज होने जा होते जा रही है धीरे धीरे। आप जो ये साइड देख रहे हैं यहाँ पे ना मार्केट लगती है, मंडे और फ्राइडे को मार्केट लगती है पूरे एरिया में। ये जो एरिया देख रहे हैं पूरा आप, इधर मार्केट लगती है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से। वो देखिए ये बाइक का हाल, बाइक देखिए बाइक डूब चुकी है बिल्कुल। और यहाँ पे मार्केट लगती है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है देखिए। तो ऑटो अभी ऑटो वाले भैया अभी निकाल के लेके आए। देखिए पानी का हाल, देखिए ये हाल है पानी का। कार के आधे मतलब आधे क्या मोस्टली पूरे टायर तो भीग ही चुके हैं। देखिए लोग सड़कों पे, अभी क्या होगा ना, अभी अगर बारिश बंद नहीं हुई और पावर वगैरह नहीं आई तो फिर थोड़ी ही टाइम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब कि घर में जो सामान पड़ा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और फिर लोग सब शॉप्स पे आ जाएंगे। तो शॉप्स पे क्या रहता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जो मिलता है ना वही लोग खरीद के ले जाते हैं जो भी मिले। मेन रोड पे अभी इतना पानी नहीं है, ये देखिए तो लोग अपनी गाड़ियां बंद हो रही हैं, वो लोग लेके आ रहे हैं। देखिए ये हाल है पानी का। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी थोड़े टाइम में वो होने लग जाएगा कि चीज़ें ख़त्म होने लग जाएंगी, तो लोग फिर दुकानों की तरफ आएंगे और फिर जो भी मिलेगा वो लेके जाएंगे। तो खाने पीने की बहुत दिक्कत होने वाली है अगर ये ऐसा ही रहा एक दिन और। तो मेन रोड पे मैं हूँ, मेन रोड पे देखा जाए तो आधे में तो पानी है, आधे में तो जमा हुआ है पानी, बट पूरे में नहीं है। यहाँ पे ये मेन रोड पे आया हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए इस साइड तो पूरा पानी भरा हुआ है वो, और आगे अभी चलते जाएं तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वो ट्रैफिक लाइट से आगे भी पानी पूरा जमा है। देखिए ये इस रोड पे तो बहुत ही पानी जमा है। यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को तो खेलने से मतलब है। यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, बड़े तो बहुत मुश्किल से चल पा रही है गाड़ियाँ। शॉप्स भी बहुत लिमिटेड सी शॉप्स खुली हैं, सारी शॉप्स खुली नहीं हैं पानी भरने की वजह से। अभी यहाँ पे पूरे जैसे मैंने बताया था पहले कि आधे में पानी था, अभी यहाँ पे देखिए पूरे में पानी आ गया, पूरे रोड में पानी आ गया है। यहाँ पे पूरा ब्लॉक है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों साइड ही पानी आ चुका है, दोनों सड़क के इस साइड भी पूरा भरा पड़ा है पानी और दूसरी साइड भी पूरा भरा पड़ा है। आने जाने वाले ट्रैफिक दोनों ही पूरा भरा पड़ा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि शॉप्स के अंदर भी पानी चला गया है,
शॉप्स के अंदर भी पानी चला गया, पूरा कंपाउंड में, सोसाइटी के कंपाउंड में पानी चला गया है। वो ठेले आधे पानी में ही खड़े हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हाल एक दिन और रहा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लोग रास्ते में, आधे रास्ते में लोग रोक के खड़े हैं। ये देखिए सामने जो है ये नित्यम के स्कूल जाने का रास्ता है। ये सामने यहाँ से जस्ट 300-400 मीटर की दूरी पे नित्यम का स्कूल है। ये पूरा भर गया है, मेन रोड से यहीं से पूरा भर चुका है अंदर पानी ना। आप देख रहे होंगे, ये देखिए पूरा भर गया है पानी। एनिमल्स को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि क्या इन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल पाता है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जहाँ पैदल चलने के लिए रास्ता है वहाँ के उसके लेवल के बराबर आ गया है पानी, बिल्कुल ऊपर तक आ रहा है पानी ये। और पूरा ये देखिए पूरी सड़क भरी पड़ी है। ये बाइक देखिए, बाइक आधी तो डूब ही गई है। अभी आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि आप लोगों को दिखा सकूं कि कहां कहां पानी भरा है। ये वीडियो मैंने एक मैसेज देने के लिए बनाया है कि हम लोगों को नेचर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लास्टिक्स का कम यूज़ करना चाहिए ताकि ये प्लास्टिक्स जाके नालियों में ना फंसे। और पानी जो चोकअप हो जाता है, पानी जो जा नहीं पाता है, ड्रेनेज सिस्टम जो बंद हो जाता है, वो पानी ईजिली निकल पाए, पानी सड़कों पे इकट्ठा ना हो। तो ये इसलिए पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि हमें प्लास्टिक को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि प्लास्टिक नालियों में ना फंसे। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि बारिश हो बट एक लेवल में हो, एक इन्वायरमेंटल जो साइकिल है वो मेंटेन रहे, ताकि बारिश इतनी भी ज़्यादा ना हो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, और इतनी हो ताकि सब लोगों को ईजिली पानी भी मिल पाए, धरती सूखी ना पड़े, धरती बंजर ना हो। तो मेरा मैसेज यही है आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीख ली होगी और आप आगे से नेचर को सही रखने में अपना सहयोग देंगे, प्लास्टिक्स कम यूज़ करेंगे, बहुत ही जहां तक हो सकेगा आप प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, और पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि हमारा जो नेचर है, हमारी नेचर सेव रहे, अच्छी रहे। हम कहीं भी जाएं तो हमें अच्छा वातावरण मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से एक अच्छा मैसेज मिलता है तो इस मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। और नेचर से जुड़े रहने के लिए पेड़ पौधे लगाइए, और फिर से मैं कहूँगा कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।